वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और आज हमारे सामने टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन और ये इसका ईवी वेरिएंट है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर के एलिमेंट्स दिख रहे होंगे तो इससे समझ आ जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और यहाँ जो वैनिटी ग्रिल है इससे भी आपको ईवी की बैजिंग वगैरह मिल जाती है पहले ही, तो ये आ जाती है आपकी मोस्ट रिलायबल और सेफेस्ट एसयूवी इंडिया की। सो टाटा की तरफ से आने वाली जो नेक्सॉन है आपने काफ़ी वीडियोस उसके बारे में देखी होंगी, चला भी ली होगी पेट्रोल एंड डीजल दोनों में। जो डीजल इंजन है उसका वो काफ़ी ऑसम परफॉर्मेंस देता है। सो यहाँ पे एक और लगी हुई है, ये नॉर्मल आपकी आ जाती है, आई थिंक ये पेट्रोल एंड डीजल इंजन वाली कोई होगी। तो ईवी डार्क एडिशन में देखने में बहुत ही यूनिक लगती है। डार्क एडिशन में एक तो सारा ब्लैकआउट इसका किया गया है, फ्रंट एंड रियर साइड लुक सब कुछ, साथ में व्हील्स वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे तो ये भी पूरे डार्क में आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ जो डिफरेंशिएट करता है इसको दूसरी गाड़ियों से वो आ जाता है इसका ब्लू कलर। तो काफ़ी जगह यहाँ पे ब्लू कलर के इंसर्ट्स आपको इसके इंटीरियर एज वेल एज इसके एक्सटीरियर्स में मिल जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है एग्जेड प्लस डार्क एडिशन वाला, ये आपको 17,13,000 पड़ जाता है ऑन रोड और इस गाड़ी पे आपको आरटीओ वगैरह का कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले ओपन करते हैं इसका मोटर बे। यहाँ पे आपको ईवी जिप्ट्रॉनिक की बैजिंग सबसे पहले मिल जाती है। यह आ जाता है इसमें मोटर सेटअप जिसको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है, इसकी जो बैटरीज है फ्लोर के नीचे जो बिछाई गई है उसके साथ में, और फ्रंट पे ही इसमें पावर आपको मिल जाएगी। एक जो परमानेंट मैग्नेट है वो फ्रंट एक्सेस पे लगाया गया है। तो ये ओवरऑल इसका कुछ ऐसा सेटअप है पूरा। यहाँ पे भी आपको इंसुलेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी इंजन की तो नॉइस आती नहीं है। जो रोड वगैरह की थोड़ी बहुत नॉइस होगी वही आपको अंदर सुनने में मिलेगी, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे पीछे की साइड आपको इंसुलेशन वर्क थोड़ा बहुत दिख जाएगा। अदर देन दैट ऊपर के साइड तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको रबराइज ग्रिप यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी। अब थोड़ा बहुत कुछ इसके एक्सटीरियर एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और साथ में इंटीरियर्स में भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ में इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइम तक की आपको उसमें वारंटी मिलती है, रिप्लेसमेंट वगैरह फ्री है, और इन केस अगर कुछ बैटरी की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेम आपको टाटा की ब्रांडिंग ह्यूमैनिटी ग्रिल, नीचे आपको ट्रायरो पैटर्न दिया गया है जिसपे ब्लू कलर का आपको यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, एलईडी डीआरएल्स जो कि एज अ टर्न इंडिकेटर भी काम करते हैं, ये नॉर्मल लैंप है, नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएगा जिसके साथ में सी शेप में आपको यहाँ पे एक और ब्लू कलर का एलिमेंट दिया गया है। सो ये ओवरऑल इसके फ्रंट लुक्स है। अगर हम इसके साइड पर आ जाते हैं, फेंडर्स पे आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग मिल जाएगी और डोर साइड पे आपको ईवी लिखा हुआ मिल जाता है। अब इसके जो व्हील्स हैं ये भी काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, ब्लैक होने की वजह से जो इनका लुक है वो थोड़ा सा और अच्छा निकल के आता है। वैंडर के टायर्स लगाए गए हैं जिनका टायर सेक्शन है 215/60 R16। सो 16 इंचेस के आपके ये व्हील हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दी गई है एंड रियर में आपको मिल जाती है ड्रम ब्रेक्स। एंड यहाँ सस्पेंशन की अगर बात कर ले तो फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट मैकफर्सन सस्पेंशन मिल जाती है और रियर में आपको ट्विस्ट बीम विद ड्यूल पाथ स्ट्रट सस्पेंशन दी गई है। थोड़ा बहुत सेटअप आपको यहाँ से दिख रहा होगा और ये आपका वो पार्ट आ जाता है, तो यहाँ से आप अपने गाड़ी की चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग और जो नॉर्मल चार्जिंग होती है, सो दोनों का ही आपको यहाँ पर सेटअप मिल जाएगा। अंदर जाने से पहले इसकी कीज़ दिखा दूँ तो वही टाटा स्टाइल इसकी कीज़ मिलती है, पीछे टाटा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी होम और ये बूट ओपन करने का बटन यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की साइड पे आपको यहाँ पे ईवी लिखा हुआ मिल जाएगा, जिप्ट्रॉनिक की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है और नीचे आपको नेक्सॉन मिल जाता है जो कि डार्क कलर से लिखा गया पूरा का पूरा एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो पूरा छुप गया है क्योंकि पूरी गाड़ी आपकी डार्क में है एंड वो आपका यहाँ पे आ जाता है, तो ऐसा कुछ इसका ओवरऑल सेटअप है। अब अगर मैं बैटरी की बात कर लूँ तो वो आपको अंडर फ्लोर लगी हुई मिल जाएगी। लिथियम आयन की बैटरी है, 30.2 kWh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, जो अगर आप नॉर्मल चार्जिंग करते हो जैसे आप घर वगैरह में चार्ज कर रहे हो बैटरी को तो 8.5 घंटे में आपकी 0 to 100 वो पूरी चार्ज हो जाती है। एंड फास्ट चार्जिंग अगर आपको कहीं पे मिल रहा है जैसे कि शोरूम्स वगैरह में या अगर उसका सेटअप आप अपने घर पे लगा रहे हो तो वो आपकी फिर 1.5 घंटे या 2 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ फुल चार्ज हो जाएगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मिल जाता है और साथ में इसमें आपको प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग मोड मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड भी अंदर एक आपको ऑफर किया गया है। सो अंदर चल के भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको। साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं तो
नेक्सॉन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो वन ऑफ द बेस्ट है, सेगमेंट की भी आप बात कर लो। सो ये आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दी गई है, जो कि सफारी से भी ज़्यादा है, जबकि सफारी की सिर्फ 205 mm की है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें तो 127 bhp की आपको इसमें पावर मिल जाएगी एंड 245 न्यूटन्स मीटर ऑफ टॉर्क मिल जाएगा, मतलब ड्राइविंग के मामले में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सो आगे अगली वीडियो इसकी ड्राइविंग की भी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो चलते हैं सबसे पहले अब गाड़ी के अंदर। ये आपके इंटीरियर्स आ जाते हैं, इसमें ऑल ब्लैक का यूज़ किया गया है। डोर्स पे भी आपको ये ट्रायरो पैटर्न मिल जाएगा, सीट्स में भी काफ़ी जगह ना ये जो ट्रायरो पैटर्न है वो हर जगह यहाँ पे फॉलो मिल जाएगा। सीट्स पूरी ब्लैक आ जाती है, ब्लू कलर की स्टिचिंग यहाँ पे दी गई है, सो अटेंशन टू डिटेल ये भी काफ़ी अच्छा है। ईवी होने की वजह से तो ब्लू कलर के एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, 6+ स्पीकर सेटअप आपको यहाँ दिया जाता है, ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स, ड्राइवर साइड वन टच डाउन दिया गया है, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। एंड अंदर चलते हैं, साथ में 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट्स मिल जाती है, तो ये आपका हाइट एडजस्टमेंट है और वहाँ पे आपको 6-way एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी। कीज़ को यहाँ पे रख देते हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, सो इसको प्रेस करते ही ऐसी कुछ आपकी यहाँ पे एनिमेशन शो हो जाती है। तो ये एनिमेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। अंदर आपको रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे 100% बैटरी है एंड 244 किलोमीटर्स तक की रेंज इसके भी बता रहा है। सो करंटली न्यूट्रल में है, ऑन पेपर आपको 316 के या 319 ऐसी रेंज बताता है, बट करंटली यहाँ पे 244 ही दिखा रहा है। बाकी डिजिटल मीटर आपका दिया गया है, इस साइड पे एनालॉग मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, साथ में कुछ और सेटिंग्स आ जाती है। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं आपको इल्यूमिनेशन, क्लॉक, TPMS एंड ऐसे कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, सिमिलर है नेक्सॉन से जैसे आपको बाकी मिलती है, बस यहाँ ब्लू कलर के एलिमेंट्स हो जाते हैं और इसके अंदर कोई भी नॉइस आपको नहीं मिलता। बाकी सेम आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, टर्न इंडिकेटर, दूसरे साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों के, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्टेयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। तो यहाँ से इसको अनलॉक करके तो ये आपका टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पर दिया गया है। बाकी ब्लू कलर आपको AC वेंट्स के सराउंड्स पे और यहाँ क्लस्टर के सराउंड्स पे आपको ब्लू कलर मिल जाता है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप प्लास्टिक्स की बात कर लो या किसी और चीज़ की भी बात कर लो, सो बिल्ट वाइज ये काफ़ी अच्छी रखी गई है। इस कार को ऑलरेडी 5-star की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। 2 एयरबैग्स आपके इसमें जाते हैं, ABS एंड EBD भी दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे बीप की वार्निंग मिल जाएगी जैसे आप स्पीड क्रॉस करते हो 80 एंड 120 की, सो एज अ वार्निंग आपको वो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपकी सेम डिस्प्ले आ जाती है जिसका रिस्पांस पहले से अच्छा है, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कापले इसके अंदर दिया गया है। बाकी थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप, साउंड क्वालिटी डिसेंट है, नॉर्मल है। एंड एक बार इसको रिवर्स में लेके देखते हैं, तो ये हमने इसको रिवर्स में ले लिया, यहाँ पे बीप करते रहेगी क्योंकि पीछे ऑब्स्टेकल आ रहा है, दीवार है, तो ये दिखाएगा। साथ में यहाँ अडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको दिख रही होंगी, जैसे मैं स्टेयरिंग व्हील अपना घुमाता हूँ तो ये गाइडलाइंस भी मूव करती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। वापस से इसको ले लेते हैं न्यूट्रल में, अंदर भी आपको सारी इंडिकेशंस दिखाते रहेगा। और यहाँ पे इसको डी पे ले जाते हैं, ब्रेक से पैर उठाओगे तो चल लेगी और बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती, एकदम आराम से आप इसको लेके जा सकते हो। अगेन यहाँ पे आपको डी के साथ में SP दिख रहा है, तो आप नॉब को घुमाओगे स्पोर्ट्स मोड में चले जाएगी एंड यहाँ आपको क्लस्टर का थोड़ा बहुत ही सारा ना रेड कलर का हो जाएगा। अब ये जो एक नॉब है ना, इससे सारा कंट्रोल होता है, ब्रेक प्रेस करके आप इसको न्यूट्रल से रिवर्स में ऐसे कुछ लेके जा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव यहाँ पे न्यूट्रल में हो गई और ये फिर से रिवर्स में हो गई। तो रिवर्स में करते आपका जो है कैमरा ऑन हो गया है, विजिबिलिटी इसकी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो ब्रेक से पैडल उठाते ही, ब्रेक पैडल से पैर उठाते ही आपकी पीछे हो जाएगी, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी आ रही है, तो यहाँ हमको बीप की वार्निंग भी मिलने लग गई। टच स्क्रीन डिस्प्ले के नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे वाइड ओपनिंग के साथ, हैजर्डस स्विच यहाँ नेक्सॉन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो अब सारी गाड़ियों में ऐसे ही आ रहा है। बटन्स के जो ये फिजिकल बटन थे वो हट चुके हैं। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे डिफॉगर एंड ये मोड वगैरह चेंज करने के बटन है, लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो और टेल गेट आपका यहाँ से रिलीज होता है। बाकी ये स्पेस आगे थोड़ी और, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट दिया गया है एंड ये आपकी यहाँ पे कीज़ भी बनाई गई है, तो आप कीज़ भी रख सकते हैं यहाँ पे। नीचे आपकी ये स्पेस एक और है एज अ कप होल्डर या किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये नॉब आ गया, हैंड ब्रेक आ गई यहाँ पे, साथ में इसको ऊपर करोगे तो आपका आर्मरेस्ट आ जाता है। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड है, ये आपका लेदर कवर्ड आ जाता है, साथ में ब्लू कलर की स्टिचिंग। इसको ऊपर करते आपका ये एक ओपन कंपार्टमेंट आ जाता है, सो इस शटर को आप ऐसे
आगे एंड पीछे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक यूज़फुल चीज़ लगी मुझे इसमें, अगेन जो एज अ कप होल्डर भी काम आ जाएंगी आपके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐसी प्लेस बनाई गई है एज अ कप होल्डर भी काम आ जाए, और जब ज़रूरत में नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हो, बिल्कुल एक क्लोज एंड क्लीन लुक आपको प्रोवाइड करती है। तो सीट्स आपकी कुछ ऐसी आ रही है, सीट्स तो कंफर्टेबल है ऑलवेज पहले जैसे निक्सॉन की आती थी। साइड ग्रिप्स आपको मिल रही है और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट बेल्ट की एडजस्टमेंट, साथ में ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल। अब पूरा का पूरा रूफ इसमें ब्लैक कर दिया गया है, आई थिंक डार्क एडिशन में सनरूफ भी देते तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि ये गाड़ी आपको ऑन रोड 17.13 या 17.15 के अप्रॉक्स पड़ जाती है। बाकी IRVM आपका ये आ गया मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे लाइट्स दी गई है जो कि वाइट कलर में चलती है, अगेन गुड थिंग। सो माइक्रोफोन, थोड़ी सी स्पेस है, आप अपने सनग्लासेस रख सकते हैं। ये आपका आ गया सनवाइजर विद टिकट होल्डर, एंड दूसरी साइड भी दिया गया है। सो यहाँ वैनिटी मिरर का ऑप्शन है, एयरबैग्स की ब्रांडिंग, दो एयरबैग्स आपके इसमें आ जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आ जाता है। अलग से कंपार्टमेंट भी दिया गया है इसका, लाइट वगैरह और ऐसे अंदर आपको लाइट मिल जा रही है और कूल ग्लव बॉक्स है, तो इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ें आपको यहाँ दी गई है, पैन होल्डर एंड कप होल्डर्स। सो करते हैं इसको क्लोज़। तो ये ओवरऑल आपका इसका डैश का लुक है, कैसा लग रहा है आप कमेंट में मेरे साथ बता सकते हैं। नॉर्मल आपने चला ली होगी, बट ये आपकी एक डार्क एडिशन आ रही है। सो अगर आप डार्क एडिशन से हटके दूसरा वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि बेज ऑलवेज एज अ लग्जरी इंटीरियर माना जाता है। तो रियर सीट्स पे चलते हैं, यहाँ पे अगेन डोर ओपनिंग इसकी काफ़ी अच्छी रखी गई है, ब्लैकआउट पूरा इंटीरियर है। अनलॉक हैंडल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये भी पूरा ब्लैक में दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, स्पीकर्स एंड ट्विटर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर की स्पेस, और ये फ्लैट सीट्स इसकी आ जाती हैं जो कि 60-40 में स्प्लिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे दो बंदों के हेडरेस्ट दिया गया है, तीसरे बंदे का मिसिंग है। बीच में आपको आर्मरेस्ट एंड यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, उस साइड पे मैंने बैग को बिठा दिया और बीच में स्पेस रखी गई है। सो दो लोगों के लिए कम्फर्टेबल है, बीच में आप बच्चे वगैरह को बिठा सकते हो। लेग रूम, नी रूम काफ़ी सही है। अगली सीट्स मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की थी, फॉर द रेफरेंस मेरी हाइट 5'7" और उसके बाद भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी स्पेस है, तो 6 फुट का भी बंदा आराम से बैठ जाएगा विदाउट एनी इशू। विंडोज़ ओपनिंग वाइड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लोपी सा डिज़ाइन रखा गया है, तो इसकी वजह से शायद कुछ लोगों को कंजेस्टेड लगता है, बट ओवरऑल ठीक है काफ़ी ज़्यादा, और आप इन्जॉय करोगे। इसका जो सीटिंग कम्फर्ट है ना, वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। तो ये आ जाती है आपकी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ग्रैब हैंडल, दोनों साइड सेम दिया गया है। यहाँ आपको कोट हुक भी दोनों साइड पे मिल जाता है, ये चीज़ दी गई है। एंड फ्रंट डैश अगेन ये आ गया आपका, बूट स्पेस में वही दी गई है 350 लीटर्स की, सो उसमें कोई भी कमी नहीं है। नीचे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, एंड पहले यहाँ 12 वोल्ट का एक सॉकेट आता था, चार्जिंग सॉकेट, जो कि अब निक्सॉन में कोई भी आप वेरिएंट ले लो उन्होंने हटा दिया है। तो एक छोटा सा टनल भी है, पीछे बूट दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड सबसे पहले शार्क फिन एंटीना आ जाता है, रूफ रेल्स दी गई है इसमें, हाई माउंट स्टॉप लैंप, एंड यहाँ पे रियर वाइपर एंड डिफॉगर दिया जाता है। ये टाटा की परंपरा है एनिमल्स वगैरह की, यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाती है। सो टेल लाइट का पुराना डिज़ाइन है, LED में दी गई है ब्रेक लाइट, साथ में आपकी रिवर्स एंड टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। EV की बैजिंग है, सो नीचे भी आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर का एलिमेंट मिल जाएगा रिफ्लेक्टर्स के पास। दो पार्किंग सेंसर्स है, और नीचे दिखा दूँ तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इसका ओवरऑल सेटअप है। एक रील भी मैंने बनाई है जिसमें EV के नीचे की बॉडी मैंने पूरी शेयर की है, वो इंस्टा पे आने वाली है, तो जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। निक्सॉन आपको यहाँ पूरा डार्क में मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड ओपन करते हैं। ज़िप्रॉनिक की बैजिंग भी यहाँ दी गई है, सो बटन दिया गया है, ये हो जाएगा ओपन, काफ़ी अच्छा है। ऊपर की साइड यहाँ पे कवर्ड दी गई है, साथ में ये मिलता है आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल। पार्सल ट्रे दी गई है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, रखना चाहो रख सकते हो। सो ये ओवरऑल सेटअप है इसका। बूट सेम 350 लीटर्स का है, सो उसमें कोई कमी नहीं की गई है। बाकी ये आपको जब जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो ये चीज़ें आपको मिलती है, चार्जिंग वगैरह, चार्जिंग केबल, ये एक टायर पंचर किट मिलती है जो कि अब टाटा ने मैंडेटरी कर दी, हर एक वेरियंट के साथ मिलता है, कोई भी कार ले लो आप। दो ग्रोसरी हुक्स यहाँ दिए गए जिसके ऊपर 3 kg का वेट लिखा गया आप ले सकते हो, एंड दो यहाँ पे दिए गए, टोटल 4। ये आपकी बूट लाइट आ गई, बाकी ऐसा कुछ सेटअप है। इसको ओपन करते ही यहाँ पे इसको ओपन कर लोगे तो ये आपकी चार्जिंग केबल्स आ गई, और यहाँ पे ये बॉक्स आता है दूसरा सेटअप आपका। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे, ये जो इन्होंने दिया गया है पूरा पैक्ड, ओपन कर लेंगे यहाँ पे तो स्टील रिम में आपका व्हील आ जाएगा जिसका साइज़ है 16 इंच का।
तो ये थी आपकी टाटा नेक्सॉन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, साथ में इसका एक डिटेल रिव्यू आने वाला है ड्राइविंग का। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो उसी की मिलेगी, क्योंकि टाटा की दो गाड़ियां ईवी की आ चुकी है, एक नेक्सॉन और एक ये टिगोर। तो दोनों का रिव्यू जल्दी ही आने वाला है। ये हमने काफ़ी चला लिए पहले भी, बट इसका भी एक आएगा। मतलब ड्राइविंग वाइज ये नॉर्मल है, बट ये जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉर्क भी 250 के आसपास मिल रहा है एंड पावर भी आपको अच्छी खासी 127 bhp की मिल रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे। इसकी हॉर्न है, अगर आप बीच वाले पोर्शन पर दबाओगे तो 0 to 100 भी कर लेते हैं। यहाँ पर 77% बैटरी अभी शो कर रहा है। ये भाई टॉप स्पीड चलेगी इसकी।